बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आपको बताऊंगी दीपावली के दिन कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन करने से, भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से, गणेश भगवान की पूजन करने से आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाते हैं। जन्मों जन्मांतर की आपके अगर दरिद्रता है वो दूर हो जाता है। मान्यता है कि दीपावली के दिन और रात में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती और लोगों में जो इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन घर के सभी मेंबर्स खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बैठ के पूजा करने से पूरे साल अपने घर में खुशियाँ बनी रहती है, सुख संपदा बनी रहती है। कहा जाता है जिस घर में खुशियाँ रहती है, जिस घर के मेंबर्स लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हमेशा खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ होता है जहाँ खुशियाँ होती है, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दीपावली पर कुछ उपाय करके दरिद्रता दूर करते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन हो, इस तरह की कुछ उपाय, खास उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में परेशानी है, दरिद्रता है, तो दीपावली पर आपको क्या करना चाहिए? दीपावली पर आपको एक चांदी की प्लेट में या चांदी की थाली में आपको 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी और थोड़ा सा गंगा जल आप ले लीजिएगा। लाल कपड़े में बांध कर ये सारा पूजन करने के बाद, जो कि आप चांदी की प्लेट में आप सारे सामान रखिएगा, उसके बाद विधि विधान से दीपक जलाइए माँ लक्ष्मी के सामने, धूप जलाइए, धन्वंतरी जी गणेश माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। विधि विधान से पूजन करने के बाद गणेश जी का मंत्र दीपावली के दिन जितना माला कर सकती है, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा भी गणपति का आप लोगों के जो भी आसान मंत्रों आप जानते हैं वो आप कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्रों करने के बाद माँ लक्ष्मी का मंत्रों आप लोग जरूर कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का बहुत सारे मंत्रों है, उनमें से एक मंत्रों आप श्रीम ब्रिजी ले सकते हैं, श्रीम श्रिये नमः ये भी बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इस ये भी मंत्र बोल सकते हैं। महालक्ष्मी का बहुत सारे मंत्रों है, जो मंत्रों आपके लिए आसान होता है वो मंत्रों आप कीजिएगा। जितना ज़्यादा माला करेंगे, स्फटिक की माला से आप कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। कमल गट्टे की माला हो तो और ज़्यादा फायदा है। तो आप नहा धो के दीपावली के दिन ये 5 चीज़ जो मैंने आपको बोला, 5 आपका सुपारी, साबुत सुपारी होना चाहिए, 5 काली हल्दी की गांठ होना चाहिए, 5 कौड़ी होना चाहिए, पीली कौड़ी होनी चाहिए, और इन सबको आपको धो के आपको एक पीले कपड़े, स्वामीटर पीले कपड़े या लाल कपड़े में बांध के विधि विधान से आप गणेश जी का मंत्र, माँ लक्ष्मी का मंत्र कीजिएगा। उसके बाद सब कुछ होने के बाद गंगा जल छिड़क के अपने कैश बॉक्स में रखिएगा। आप देखिएगा पूरे साल आपके घर में धन की, ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेंगे। चलो इसके बाद एक उपाय आपको और बताऊंगी, जो कि खास उपाय है। कहते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर में सभी कमरे में आपको गंगा जल छिड़क देना चाहिए। कच्चा दूध हो तो गंगा जल के साथ मिक्स करके चारों तरफ गंगा जल घंटी बजाते हुए घर के अंदर से बाहर तक घंटी बजाइए और गंगा जल के साथ जरा सा कच्चा गाय के दूध छिड़क दीजिए, अंदर से बाहर की तरफ गेट की तरफ आप ले जाइए। आज जो बचा हुआ रहेगा गंगा जल और दूध मिक्स है वो गेट की दोनों तरफ आप डाल दीजिएगा। इससे आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि तो होगा ही होगा। दीपावली धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली तक घर में शंख का धनी जरूर बजाइएगा, दोनों टाइम सुबह और शाम। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। दीपावली के दिन
आप घर की महिलाएं जो माता और बहनें सब अपने साफ सुथरा होने के बाद शाम के समय सज धज के अपने कपड़े पहन के गहना पहन के माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे और बरकत तो देगा ही देगा। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के पूजन के समय लक्ष्मी जी को कमलगट्टे की माला आपको पहनाना जरूर चाहिए। कमलगट्टे की माला, नया माला आप लेकर आइए, उसको गंगा जल से धो के माँ लक्ष्मी को पहना दीजिए। धूप दीप दिखाइए, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, बताशा की सफ़ेद बताशा हो मिश्री का खीर बनाइए और माँ लक्ष्मी भगवान धनवंती और गणेश जी को अर्पित कीजिए। इससे आपके घर में बरकत की कमी नहीं होगी। इसके अलावा दीपावली की शाम को घर के आसपास किसी पीपल की पेड़ के नीचे जाइए, तेल का दीपक आप जलाइए और ध्यान रखिए कि दीपक जला कर चुपचाप आप घर आ जाइए, मुड़ के नहीं देखिएगा। और पीपल के नीचे जब आप दीपक जलाइएगा उस समय अगर आपके मन में कोई विश है, कुछ चीज़ आप चाहते हैं, कोई मांगना, कुछ ऐसे चीज़ जो विश आपका बहुत सालों से पूरा नहीं हो रहा है, अब देखिएगा इसी साल पूरा हो जाएगा। ये बहुत अचूक टोटका है। इसके अलावा एक उपाय और बताऊंगी, धन लाभ के लिए दीपावली की रात को सोने से पहले आपको चौराहे पर एक तेल का, सरसों के तेल का दीपक आपको जलाकर घर आ जाना चाहिए। ध्यान रहे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ये चौराहे पर ही करना चाहिए और ऐसे समय आपको जाना चाहिए जिस समय कोई आपको देखे ना। तो जब एकदम रात को 12 बजे के बाद जाइए और अपना एक अपने नाम के एक दीपक जला के आ जाइए। देखिएगा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और घर आके अपने हाथ मुंह और कपड़े, जिस कपड़े पहन के गए हैं वो कपड़े को आप चेंज करके आपको रात को सोना चाहिए। चलो एक उपाय आपको और बताऊंगी, धन संपदा की वृद्धि के लिए दीपावली की रात आपको तिजोरी में लाल कपड़ा, नया लाल कपड़ा अपना बिछाना चाहिए। कोई सिल्क के कपड़े हो, मखमल के कपड़े हो, और ये भी ना हो तो आप सूती कपड़े लाल और पीला रंग के ले आइए, अपनी तिजोरी है जहाँ पे उसमें आप बिछा दीजिएगा। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अब इस पर माँ लक्ष्मी को उस कपड़े को बिछा के वहाँ एक छोटा सा माँ लक्ष्मी का फोटो रखिए। इससे माँ, जो ऐसे फोटो रखिए जिसमें दिखाई दे माँ लक्ष्मी बैठे हुए हैं कमल फूल के ऊपर, तो ऐसे फोटो आप रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय जो कि जो लोग सुनने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं पर जो लोग दिल से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, उनको ज़रूर फायदा होता है। चलिए आज तो भाई यहीं पे समाप्त करती हूँ। तक ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।